down slowly, let me down. व्हाट्सअप गेमर्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही बड़ी मुश्किल का हल जो आजकल मोस्टली एंड्रॉयड यूज़र्स और iOS यूज़र्स फेस कर रहे हैं। जब से 0.18.0 की अपडेट आई है, ये पंगा बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। iOS में इस वजह से हो रहा है कि एंड्रॉयड और iOS की दोनों की डिफरेंट अपडेट्स आई थी और एंड्रॉयड का एक वर्जन हायर था, जिसकी वजह से जिसने पहले एंड्रॉयड पर एक दफ़ा लॉगिन कर लिया वो दोबारा iOS पे लॉगिन नहीं कर पा रहा। और दूसरे जो एंड्रॉयड वालों के साथ जिनके साथ ये मसला हो रहा है, जिन्होंने iOS पे नहीं लॉगिन किया लेकिन सिर्फ एंड्रॉयड पे ही किया और फिर भी ये मसला आ रहा है, उनके साथ इस वजह से आ रहा है क्योंकि उन्होंने जो अपडेट है वो किसी थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड की थी या फिर किसी वेबसाइट से डाउनलोड की थी। मेरे साथ भी ये सेम मसला आ रहा है, मैंने बहुत रिसर्च की यूट्यूब पर, बहुत फजूल वीडियोज़ लोगों ने बताई हैं, मतलब ऐवें ही कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसी वजह से है कि आपने किसी दूसरे ऐप या दूसरी वेबसाइट से अपडेट डाउनलोड की, इसलिए ये मसला लोगों को आ रहा था। पर अब टेंशन नहीं ले, मैं सलूशन भी इसका ले आया हूँ। एक्चुअली सलूशन मैं नहीं ले आया, सलूशन पबजी वाले ही ले आए हैं। आज दो तीन दिन बाद जब अपडेट के वो एक पैच अपडेट देने लगे हैं 12 मई को, ठीक है, 12 मई को आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब जिन जिन की आईडीज़ ब्लॉक हैं उन सब की आईडीज़ खुल जाएंगी, वो दोबारा से लॉगिन कर पाएंगे, दोबारा से चला पाएंगे। इस वजह से आप कोई भी टेंशन नहीं लें, कल आपकी आईडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो पबजी वालों ने नोटिफिकेशन भेजा है। तो गाइस देख लें, ये वो मैसेज है जो पबजी वालों ने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी कुछ देर पहले भेजा। मुझे जैसे ही ये मैसेज मिला मैंने इंस्टेंटली वीडियो बनाई ताकि किसी को कोई भी गलत फहमी ना हो, कोई किसी गलत वीडियो पे अपना टाइम वेस्ट ना करे। तो ये शॉर्ट सी वीडियो बना के मैंने आपको ये शॉर्ट सा इसका सोल्यूशन बता दिया, इसलिए आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कल आपकी आईडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दैट्स ऑल, सो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो इफेक्टिव लगी, अच्छी लगी तो like and subscribe।